लेकिन विश्वरूप जा पिता डाढ़ो नाराज थे। त्वष्टा मुनि भयंकर उन यज्ञ किया। यज्ञ में भावना ही अशुद्ध रखी कि इंद्र को मारने वाला बेटा मिले, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, गलत भावना जो गलत नतीजो। संस्कृत में एक लाइन गलत थी वही छा थी, इंद्र को मारने वाला को जी जगह से थी, यानी इंद्र से मरने वाला। तरी चवंदा सब जो भलो सोचो। हाँ, ये तो असानी विशेषता है संस्कृत भाषा की। एक एक मात्रा बिंदी जो फर्क हों, अंग्रेजी तो लूली लंगड़ी भाषा है। ऐसो न जमींदार में अगर थोड़ी जी बड़ी जी मात्रा हटी वे मथों हुआ जी घुमंदी तो जमींदार केर ठही वो वेचारो। हाँ तुम सोचो, हरे राम। एक एक बिंदु जो अस में भाषा में केडो वो अर्थ रख। श्री कृष्ण गोविंद बद्रीनाथ मजाक पो करे शंकर सा, चेसबो शंकर भाई तुम्हारे अम की मात्रा निकाल दें तो तुम तो शक्कर बन जाओगे। शक्कर, हाँ, शंकर की अम की मात्रा निकाल दें क्या बन जाओगे? शक्कर। शंकर जी, मैं तो फिर भी मीठा बना रहूंगा, अगर वो मात्रा तुम्हारे ऊपर बद्रीनाथ डाल दूं तो तुम क्या बन जाओगे? मैं अम की मात्रा बद्रीनाथ। जय हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सात संगत जी, हाने त्वष्टा उनके पिता विश्वरूप जे दुख में यज्ञ कयो, उल्टो पैजी यज्ञ में वडो पराक्रमी भयानक वडो असुर प्रकट थियो। विश्वरूप उनके आज्ञा कई, जाओ बेटा राजा इंद्र को घटक जाओ, जो आज्ञा पिताजी। ये चई कर हलो पहाड़ जेड़ो कारे रंग जो मुकुट वगैरह ये पा लगन, जन पहाड़ में कोई आग बरी रही है। अड़ा उन गहना पातल डील डोल शरीर ये कि पहाड़ हलंदो तो अचे। डिसी कर देवता ये वठी डुक पाए भजन लगा। चो हरी राम। देवता भगवान के शरण में आया। भगवान नारायण चो दधीची ऋषि वट वो अगर पैं हड्डियों डे तो उन वस्त्र ठहंदा तो तहो उद्धार। हाँ लंबी लंबी दंडवत कर लगा दधीची महाराज के। दधीची महाराज चो तबर है प्राण निकरंदा कि तकलीफ थी जेरे मानू के चौता ती हड्डियों खपन। तदी उन सत्संग बुधा देवता महाराज संत महात्मा हे जीवन चवंदा उनके लाया कि जो जीवन बेजे कम में अचे जीवन उन भलो आ। साधु महात्मा हमेशा उनकी प्रशंसा कंदा। नदी पैंजो पानी न पीएंदी वण पैंजा फल न खाईंदा तीं जैंजो जीवन बे जे भलाई जे लाए हुजे। बस 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 मां एतरो ही सत्संग बुधण पियो चाहियां। इहो त ॿुधायो तव्हांखे मोकिलियो कयां जी असांखे श्री नारायण भॻवानु मोकिलियो आहे। नेण भरिजी आया जी उन जे लाइ त मां करोड़ जीवन जा सभु कुझु त उन जो ई आहे। जंगली गौ माता आई सजो शरीर साफ थियो हड्डियों बचियों उन विशेष अस्त्र ठया। एकड़ो ठयो वज्र। हाँ राजा वज्र खड़ी करे भयंकर लड़ाई लगी। वृत्रासुर लड़ाई करण लगो अची करे युद्ध में। चौ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। जी वृत्रासुर आयो राजा इंद्र के सामू भयंकर युद्ध लगी। सात संगत जी वृत्रासुर सामू आयो राजा लड़ाई तो करे। एक बार तो वज्री किरी पो राजा इंद्र जो, लेकिन वृत्रासुर चयो काई गाल ना है राजा इंद्र खण तू वज्र पैंजो। आ मुखे सब पतो आ कि युद्ध में जीत तुझी थींदी पर याद रख तू जीते करे भी हारे वेंदे। मुखे खबर है मुझी हार थींदी आ हारे करे भी जीते वेंदुम छो जो हारे करे भी मुखे हरी मिलंदो तोखे स्वर्ग मिलंदो। स्वर्ग में तुम वरी किरंदे पर वैकुंठ मां वरी न किरंदुम मां प्रभु की प्राप्ति कंदुम। इन करे मां तोखो वधीक प्रसन्न आया। चौ हरे कृष्ण हे हरे। उते युद्ध जे विच में ॾाढी सुंदर स्तुति कई आ प्रार्थना कई आ वृत्रासुर। अहम हरे तव पादे कमूल दासा नुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरे तासु पतेर गुणास्ते
गणित वाक कर्म करो तू काय। भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव कंदे वृत्रासुर प्रार्थना ता कंत प्रभु तामुते एड़ी कृपा कयो कि अनन्य भाव सा तांजे चरण कमलन जे सहारे सेवकन जी सेवा करण जो मुखे अगले जन्म भी अवसर मिले। हे प्राण वल्लभ, मुझो मन तहाजे मंगलमय गुणन जो महिमा जो सुमरन कंदो रहे, माजी वाणी गीत गाइंदी रहे, तहाजो कीर्तन कंदी रहे, शरीर तहाजे सेवा में लगल होजे। चो हरे राम, तहाजे गुणन जो स्मरण कंदो रहे, मांजी वाणी गीत गाइंदी रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, हे गोविंद, मां तांके छड़े करे स्वर्ग ब्रह्म लोक धरतीय जो साम्राज्य रसातल एक छत्र राज योग जी सिद्धियों ए मोक्ष तक न थो चाया। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, एड़ी भक्तन जी महिमा आए। हरे राम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहस्य कांक्षे। प्रभु या स्तुति करे चौंता मुखे अड़ी भक्ति जो, अड़ी भक्ति जो जी पक्षी होंद उनजा पंख हीन बार पैजे माता जी बाट डिसंदा रहंदन, राह डिसंदा रहंदन, कड़ी माता इंदी। लेकिन यो तो बुख जो भजन थी तो सके कि माता इंदी खीर पियारींदी। चौ हरे राम। अच्छा अच्छा, लेकिन जो गऊ माता होंदी आ प्रभु उनजो बार उनजो रस्तो निहारींदो रहंदो आ। अरे पक्षी भव जो भजन था कन तो गाय जो बछड़ो बुख जो भजन तो करे, उनके माता जे खीर जी इच्छा है और पक्षियों के भव आ कोई मारे न छड़े। अच्छा अच्छा, वरी अगले श्लोक में चवन था प्रभु मां तहांजी इं भक्ति तो करण चाहा जे पतिव्रता स्त्री पति के छड़े करे कुछ न चाहिंदी आ। उनजो सर्वस्व सुख आनंद प्राप्ति लक्ष्य सब कुछ पति ही होंद, पति साक्षात उन भगवान होंद, पति जो सुख पैंजो सुख, पति जी खुशी पैंजी खुशी होंगी। प्रभु मां ये भक्ति तो चाहें यो भगवान के पसंद अच्छी। हाँ, या अव्यभिचारिणी भक्ति ढी सर्वश्रेष्ठ। चौ हरे राम। इन जी स्तुति बुद्धि करे तो राजा इंद्र भी हैरान थो सात संग जी। चौ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दयाल दुखभंजन पूरन कृपाल। आत्माउन जेड़िया ओह काडो तो खे भक्ति प्राप्त थी आ भाई। तदी जी वज्र राजा इंद्र खेवा तो वज्र में वृत्रासुर के भगवान जा दर्शन थे। प्रणाम करी या स्तुति उन्हें कही आ, अगते वधिवा वरी एकदम युद्ध हावी थी वही। जी लड़ाई करण लगा एकड़ो हथ अगते वधायो वृत्रासुर, राजा इंद्र उन जो हथ कटे छो, बो हथ अगते वधायो चेस तो दिस वो भी मां पोते नथो हटा। युद्ध तो खेला प्राणन जो राजा इंद्र, अच युद्ध कर एक हथ से अगते वजो तो वह भी बाह उन कटे छी। लेकिन पो भी पोते न हटो मुंह ये पहाड़ की गुफा वांगुर खोले वज्र सहित राजा इंद्र के घटके। हरे राम। पैंजे पिता जो वचन भी पूरो कीं दिसो, पिता भी चेस जाओ राजा इंद्र को घटक जाओ घटके। और यज्ञ जो भी वचन पूरो थियो कि राजा इंद्र मरियो न। छो छो न मरियो? छो जो श्री नारायण कवच जो पाठ कई, भगवान कवच थी करे रक्षा कंदा है। जेके रोज पाठ कंदा है न श्री नारायण कवच जो, भगवान उनकी ही रक्षा कंदा है। छह स्कंद के अठे अध्याय में तो श्री कृष्ण गोविंद नित्य प्रति जान बूझ करे गलती न करे, भुल तान भुले जो भगवान आ। असा ही कथा क्यों था भुल में किनमल नाला गलत थी वेंदा है। हाँ, अरब की जगह ते किनमल करोड़ निकरी वेंदो आ, असांजे देश में 100 करोड़। भगवान नारायण उनकी रक्षा कंदा है। धर्मो रक्षति रक्षित, जेके पैंजे धर्म जो पालन कंदा है भगवान धर्म उनकी रक्षा कंदा है। धर्म कहते बीठवा चेऊं दया धर्म का मूल है। भगवान चौंता जिस धर्म में दया नहीं वो धर्म नहीं। धर्म का आधार करुणा है, दया धर्म का मूल है। सभी ते दया कयो तां ते परमात्मा दया कंदो, प्रभु दया कंदो। हरे राम, हरे कृष्ण, हे हरे। हाँ, गटकियो राजा इंद्र के, राजा इंद्र मरियो न, हथ में वज्र हुयस उन्हें जो पेट फाड़न शुरू कई, पेट फाड़े करे राजा इंद्र बाहर निकतो। बाहर तो
कोलाहल मचियो कि अरे तो राजा इंद्र को घटक गयो, लेकिन तुरंत पेट फाड़े राजा इंद्र बाहर निकता। लेकिन एतरे समय में भी 12 महीना लगिया, घना महीना 12 महीना लगिया राजा इंद्र के बाहर अचण में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण।